हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति फ्रॉम प्रगति प्रोग्रेस क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जेंडर। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर: फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फेमिनिन जेंडर: अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। वह संज्ञा जिससे स्त्री लिंग का पता चलता है वह फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल: गर्ल, मदर, सिस्टर, हेन। अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। हीरोइन ऑफ द मूवी इज नॉट नेटिव ऑफ दिस कंट्री। तो गर्ल स्त्रीलिंग है यानी फेमिनिन जेंडर, हीरोइन फेमिनिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर: अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। वह संज्ञा जिससे पुरुष लिंग का पता चलता है वह मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आती है। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स: बॉय, फादर, ब्रदर, कॉक। अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। बॉय मैस्कुलिन जेंडर है। हीरो ऑफ द मूवी इज नॉट अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री। तो हीरो मैस्कुलिन जेंडर है। अब हम कॉमन जेंडर समझते हैं। कॉमन जेंडर: अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। वह संज्ञा जो पुरुष और महिला दोनों को दर्शाती है वह कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती है। कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल्स: बेबी, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, लीडर, सर्वेंट, फ्रेंड्स, कजन। इन सब का क्या है? इन सब का फेमिनिन और मैस्कुलिन नहीं होता है, है ना। टीचर अगर लेडीज टीचर भी है तो उसे टीचर ही बोलेंगे, अगर जेंट्स टीचर भी है तो टीचर ही बोलेंगे, अगर लेडीज डॉक्टर है तब भी उसे डॉक्टर ही बोलेंगे, और जेंट्स मेल डॉक्टर है तब भी उसे हम डॉक्टर ही बोलेंगे, है ना। अ बेबी इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो टीचर्स में क्या है? लेडीज और जेंट्स यानी मेल फीमेल दोनों आते हैं। बेबी में भी जब हम बोलेंगे कि ये बॉय बेबी है तब समझ में आएगा कि हाँ ये मेल है, है ना। अब हम समझते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। अ नाउन दैट नेम अ नॉन लिविंग इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। वह संज्ञा जो न तो पुरुष और न ही महिला सेक्स को दर्शाती है वह न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती है। इस वर्ग में प्रमुख रूप से निर्जीव वस्तुओं के नाम तथा समूहवाचक संज्ञाओं का समावेश होता है। न्यूटर जेंडर को हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल: ट्री, बुक, पेन, टेबल। ट्री इज क्लिंजिंग द एयर। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये ट्री क्या है? नपुंसक लिंग है। बुक्स क्या है? नपुंसक लिंग है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो नपुंसक लिंग है। पुरुषवाचक संज्ञा को स्त्रीवाचक करने के लिए एक प्रमुख पद्धति यह है कि पुरुषवाचक संज्ञा में ES प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे प्रिंस है तो प्रिंसेस, ES लगा दिए तो प्रिंस प्रिंसेस, लायन लायनेस, पोएट पोएटेस, एक्टर एक्ट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, हंटर हंट्रेस, है ना। एक्टर जो मेल हीरो है तो एक्टर,
और फीमेल हीरोइन है तो एक्ट्रेस, है ना। मेल टाइगर टाइगर और फीमेल टाइगर टाइग्रेस। वे पुल्लिंग संज्ञा जिनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई डबल एस नहीं लगाया जाता है उनमें से कुछ निम्नलिखित यहाँ पे है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, फादर मदर, मैन वोमैन, ब्रदर सिस्टर। अब कुछ है जो ही सी लगा के हम बनाते हैं, ही गोट सी गोट, ही रैक सी रैक, ही कैमल सी कैमल। ओनली इसमें हम मेल है तो मेल के साथ ही और फीमेल गोट है तो उसके साथ सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।